दोस्तों इसमें विटामिन बी सिक्स होता है जो कि बच्चे की जो मस्तिष्क है उसका जो विकास। दोस्तों प्रेगनेंसी के दौरान शकरकंद खाना बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है क्योंकि दोस्तों इसमें बहुत सारे पोषक तत्व ऐसे होते हैं जो शरीर के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होते हैं। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि शकरकंद में ऐसी कौन कौन सी चीजें होती हैं जो गर्भवती महिला और बच्चे के लिए स्वास्थ्यप्रद हो सकती है, लाभप्रद हो सकती है। दोस्तों शकरकंद में प्रोटीन और वसा तो नहीं होता है लेकिन इसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत अच्छी मात्रा में होता है जिससे कि बहुत अच्छी एनर्जी गर्भवती महिलाओं को इस दौरान मिलती है। जैसा कि दोस्तों गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को थकान बहुत ज्यादा लगने लग जाती है और खास तौर पे प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में लगती है और थर्ड ट्राइमेस्टर में, क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में महिला के हार्मोन्स में चेंज होने लग जाता है। इस वजह से कई महिलाओं को थकान का बहुत ज्यादा अनुभव होता है और जब थर्ड ट्राइमेस्टर आता है तो उस टाइम पे गर्भवती महिलाओं का जो शिशु होता है भ्रूण होता है वो आकार में बढ़ने लग जाता है जिस वजह से महिलाओं को काफी जल्दी जल्दी थकान लगने लगती है। ऐसे में अगर आप शकरकंद का सेवन करती हैं तो ये आपको बहुत सारे फायदे दे सकता है और आपके शरीर में स्फूर्ति भी बनी रहती है। तो दोस्तों जैसा कि इसमें कार्बोहाइड्रेट अच्छा होता है, प्रोटीन और वसा की कमी होती है तो इसकी कमी को दूर करने के लिए आप दूध ले सकती हैं, अंडा ले सकती हैं, मछली ले सकती हैं, साथ ही दालों का भरपूर सेवन करिए तो इससे आपको प्रोटीन मिलता है। टॉपिक पर दोबारा से लौटते हैं दोस्तों। शकरकंद में पोटेशियम, मैग्नीज, कैल्शियम, फाइबर, विटामिन ए, विटामिन बी सिक्स, विटामिन बी ट्वेल्व इत्यादि होते हैं और ये सभी पोषक तत्व तो गर्भवती महिलाओं के शरीर को इस दौरान काफी ज्यादा लाभ देते हैं। क्या क्या फायदे इसके होते हैं आइए जानते हैं। दोस्तों शकरकंद में विटामिन ए होता है जो कि बच्चे के विकास के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होता है। अगर आप शकरकंद का सेवन करती हैं तो इसके सेवन से बच्चे का हृदय, लीवर, गुर्दे, रक्त और साथ ही फेफड़ों का विकास होने में ये बहुत ज्यादा सहायक होता है। दूसरा इसमें दोस्तों होता है डाइट्री फाइबर। अक्सर गर्भवती महिलाओं को कब्ज की शिकायत गर्भावस्था के दौरान बन जाती है तो इस समस्या के समाधान के लिए आप शकरकंद का सेवन भी कर सकती हैं। इसके अलावा दोस्तों इसमें विटामिन बी सिक्स होता है जो कि बच्चे की जो मस्तिष्क है उसका जो विकास हो रहा होता है उसके विकास होने में, उसका गठन होने में काफी ज्यादा सहायता प्रदान करता है। अगर गर्भवती महिलाएं शकरकंद का सेवन करती है तो इससे गर्भ में शिशु की जो हड्डियां हैं जो बन रही होती हैं उनके विकास होने में, उनके बनने में ये बहुत ज्यादा सहायक होता है। साथ ही जो हड्डियां बन चुकी होती हैं बच्चे की उनको मजबूती प्रदान करने में ये काफी ज्यादा सहायक होता है। जैसा मैंने आपको बताया कि इसमें पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीज इत्यादि बहुत अच्छी मात्रा में होता है तो ये जो सारे पोषक तत्व होते हैं ये हड्डियों से जुड़े होते हैं, हड्डियों की मजबूती से जुड़े होते हैं तो इसलिए इसका सेवन आप जरूर करें। प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जिन महिलाओं को मॉर्निंग सिकनेस की दिक्कत होती है, उल्टी होना, मितली की प्रॉब्लम होना इत्यादि समस्याएं होती हैं तो इस दौरान शकरकंद का सेवन करने से इसमें काफी ज्यादा फायदा मिलता है। तो दोस्तों इतने सारे फायदे आपको शकरकंद खाने के इस दौरान होते हैं लेकिन किन महिलाओं को शकरकंद का सेवन नहीं करना है, जिन महिलाओं को इस दौरान जेस्टेशनल डायबिटीज की शिकायत हो गई है या फिर पहले से ही डायबिटीज इत्यादि चली आ रही है उन महिलाओं को इस दौरान शकरकंद का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसमें स्टार्च की मात्रा बहुत अधिक होती है जिस वजह से जेस्टेशनल डायबिटीज से ग्रसित महिलाओं को और अधिक दिक्कत हो सकती है। तो शकरकंद को आप अच्छे से धो के उबाल के इसे सेवन में ले सकती हैं, आप इसे सलाद के रूप में ले सकती हैं, आप इसका हलवा बनाकर खा सकती हैं या फिर आप इसे ऐसे ही अपने स्वाद के अनुसार जैसा भी आप चाहें उस तरीके से पकाकर इसका सेवन कर सकती हैं। तो ये खाने में काफी ज्यादा स्वादिष्ट भी होता है और प्रेगनेंसी के दौरान जैसे कि महिलाओं को कुछ अलग अलग खाने का मन करता है तो आप इसको किसी भी तरीके से चाट वगैरह बनाकर सलाद में इस तरीके से इसको सेवन में ले सकती हैं। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिए कि किसी भी चीज का अत्यधिक सेवन करना गर्भावस्था के दौरान हानिकारक भी हो सकता है। तो ध्यान रखिए कि कोई भी चीज अगर आप सेवन में ले रही हो तो उसको आपको सीमित मात्रा में लेना है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।